तो आज हम लोग डाउट क्लास रखे हैं, तो हिंदी मीडियम वाले लिए सब लोगों को डाउट क्लियर है हर एक चीज का। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के स्टेप्स, एप्लीकेशंस और जीन क्लोनिंग के स्टेप्स, प्रिंसिपल और एप्लीकेशन, सभी चीज क्लियर है। किसी को कोई डाउट नहीं है? तो एक डाउट जो आया है वो किसके साइड से आया? आप हिमानी के साइड से, जिसने पूछा है कि लाइगेशन जो है वो क्या होता है, लाइगेशन की प्रक्रिया क्या होती है, इसको पूछा है हिमानी ने। तो पॉइंट नंबर वन, इस चीज को सबसे पहले सुनिए कि कभी भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है वो सबसे पहले क्या कार्य करता है, कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है कभी भी छोटे छोटे कट करता है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है मैक्स वो एक मॉलिक्यूलर सीजर की तरह कार्य करता है। सीजर का मतलब होता है कैंची, ठीक है? मॉलिक्यूलर सीजर की तरह कार्य करता है। तो ये जो मॉलिक्यूलर सीजर मतलब कैंची, तो कैंची का काम क्या क्या करना होता है? काटना, कपड़ा काट सकते हैं, बाल काट सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो फिर उसी प्रकार जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है वो क्या करता है? कट करता है। लेकिन ये किसे कट करता है? डीएनए को या फिर आरएनए को, मतलब ये जेनेटिक मटेरियल को कट करने का काम करता है। तो ये लेकिन कट कहाँ करता है ये बहुत मैटर करता है कि इसने कहाँ पर कट मार्क लगाया है। एक सेकेंड, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है वो क्या करता है? डीएनए को, डीएनए क्या है आपका? डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है। आरएनए आपका सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। ये दोनों जेनेटिक मटेरियल की कैटेगरी में आते हैं। मतलब ये दोनों हम लोग, जो डीएनए है और जो आरएनए है, इसे हम किस नाम से जानते हैं? जेनेटिक मटेरियल अगर हम कभी भी बोलते हैं तो जेनेटिक मटेरियल के अंतर्गत डीएनए और आरएनए दोनों चीजें आती हैं। तो अगर डीएनए और आरएनए दोनों जेनेटिक मटेरियल हैं तो दोनों को कट करने का काम कौन कर सकता है? हमारा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है? जिसमें ये कैपेबिलिटी पाई जाती है कि ये डीएनए को और आरएनए को पर्टिकुलरली लोकेशन पर वो कट लगाता है। जैसे यहाँ पर, जैसे वहां जहाँ जहाँ पर मैंने ब्लू टिक लगाया, वहां वहां पर वो क्या करता है, उस पर्टिकुलर लोकेशन पे जाके वो कट करता है। डीएनए को वो छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर देता है, अलग अलग कर देता है। तो डीएनए को वो जब छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर देता है, तो डीएनए को छोटे छोटे टुकड़ों में कट करने का रीजन ये है क्योंकि हम लोगों को क्या करना है, डीएनए को पूरे यूनिफॉर्मली चाहिए हम लोगों को। हम लोगों को हमारे जो डीएनए है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंतर्गत पढ़ रहे हैं ना हम लोग, ये सब आरडीएनए टेक्नोलॉजी के अंतर्गत। तो ये जो आरडीएनए टेक्नोलॉजी है उसमें होता क्या है कि आपके ऑर्गेनिज्म के दो दो ऑर्गेनिज्म के डीएनए रहते हैं, और दोनों को मिक्स करके जो नया डीएनए बनता है उसे हम क्या कहते हैं? रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोलते हैं। ये चीज को हम लोग अब अच्छे से जानते हैं। तो आपका जो नॉर्मल डीएनए है, जिसको आपने एक ऑर्गेनिज्म के अंदर से निकाला है, एक ऑर्गेनिज्म के अंदर से आपने निकाल कर आप उसमें आप एक और डीएनए ऐड करके नया डीएनए बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए जरूरी है कि जो आपके पास डीएनए है जो आपने एक ऑर्गेनिज्म से निकाला, और दूसरा आप वेक्टर यूज करेंगे, वेक्टर के रूप में आपने प्लाज्मिड यूज किया, तो इन दोनों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना इसलिए जरूरी है क्योंकि तभी ये एक दूसरे से अटैच होंगे। पहले हम कट करेंगे फिर जोड़ते हैं। जैसे अगर टेलर लोग जो होते हैं, अगर आप बोलेंगे एक कपड़ा देकर कि इसमें ये दूसरा कपड़ा जोड़ना है, तो वो टेलर क्या करेगा? ठीक है, आपने बोला कि उस कपड़े में आपको एक कपड़ा जोड़ना है, मुझे ऐसा चाहिए कि ये जो कपड़ा है रेड कलर का पूरा आपने कपड़ा दे दिया, जैसे कि ये आपने रेड कलर का एक कपड़ा दे दिया, और आपने बोला कि एक और जो दूसरा कपड़ा दिया आपने वो ग्रीन कलर का है। अब आपने बोला मुझे ऐसा चाहिए कि मुझे दोनों को मिक्सअप करना, और मुझे ऐसा मिक्सअप करना है कि बीच में जो है ग्रीन कलर आना चाहिए और आजू बाजू इसके साइड साइड में इसके रेड कलर आने चाहिए। तो उसके लिए टेलर क्या करेगा? पहले तो रेड कलर के कपड़े को वो क्या करेगा? काटेगा, दो टुकड़ों में कट करेगा, अलग करेगा, फिर इस ग्रीन कलर के कपड़े को यहाँ पर अटैच करेगा, ठीक है? उसी प्रकार जो आपका वेक्टर होता है, ये जो वेक्टर है आपका, इस वेक्टर को पहले तो आपको कट करना होगा ताकि आप अपने डीएनए को इसमें अटैच कर सकें, ठीक है? तो इसके लिए
पहले तो हमें रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज करना होगा जो इन छोटे छोटे टुकड़ों में इसे काटे। आप छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया, अब जोड़ने के लिए जैसे कि आपके टेलर ने क्या किया, कैंची का यूज किया कट करने के लिए। हम भी यहाँ पर कौन से कैंची का यूज कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर सीजर के रूप में रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज कर रहे हैं जिसने कट लगाया। अब वो वापस से जोड़ने के लिए सुई और धागे को यूज करता है, सिलाई करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे ज्वाइन करने के लिए, उसे सिलने के लिए, आपस में जोड़ने के लिए कौन काम करेगा, हमारा लाइगेज एंजाइम, जो कि क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। इसलिए लाइगेज जो एंजाइम होता है, ये जो उत्प्रेरक है, इसके पास ये सक्षमता पाई जाती है कि जो लाइगेज एंजाइम होता है ये आपके मॉलिक्यूलर मार्कर, जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ने जिस चीजों को काटा है, कट किया है, ये उसे जोड़ने का काम कर सकता है। अगर आपके पास दो चीजें हैं तो आप उसे जोड़ने के लिए लाइगेज एंजाइम का यूज कर सकते हैं। और लाइगेज एंजाइम क्या करेगा फिर, आपके पास कटा हुआ आपका वेक्टर है, और आपके पास छोटे छोटे टुकड़ों में आपके डीएनए हैं, तो पहले तो वो डीएनए को कंप्लीट जोड़ेगा। डीएनए को जोड़ा, अब उसे ये ज्वाइंट करेगा, तो ज्वाइंट करने के बाद फलस्वरूप कैसा प्राप्त होगा, ये हमारा बना रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो जैसे ही आपका लाइगेज एंजाइम जो है पर्टिकुलरली वेक्टर को, आपके डीएनए को साथ, वेक्टर और डीएनए को ज्वाइंट कर देता है, जोड़ देता है, और एक कंप्लीट नया डीएनए बनता है, तो ये हमारा कहलाता है नया डीएनए जो है, हाइब्रिड डीएनए भी कहलाएगा ये। क्योंकि ये हाइब्रिड किसे बोलते हैं हम लोग, जब दो चीजों को मिलाकर हम नया बनाते हैं, जैसे हाइब्रिड प्लांट, सुना होगा आप लोग, जो जाम खाते हैं, जाम भी हाइब्रिड आता है, क्योंकि उसे दो चीजों के बीजों को मिलाकर बनाया गया है, दो अलग 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 प्रजाति के नामों को। क्यों क्यों मिलाया गया, क्योंकि लेकिन उसमें ज्यादा टेस्ट नहीं होता है, रीजन उसका ये है कि उसे हाइब्रिड बनाया गया है, उसे आर्टिफिशियली उगाया गया है, लेकिन जो नॉर्मली जन नेचुरली उगते हैं उनका शेप भी अलग रहता है और उनकी प्रॉपर्टीज भी अलग रहती है। उसी प्रकार जो है ये हाइब्रिड डीएनए है, तो इनके प्रॉपर्टीज भी अलग रहेंगी, और साथ में रिकॉम्बिनेंट डीएनए, क्योंकि ये दो डीएनए से मिलकर बना है, और उसके बाद ये लाइगेशन की प्रोसेस हो गई। लाइगेशन में अल्टीमेटली बताया ये है कि ये क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। हमारे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ने जिस डीएनए को और वेक्टर को कट किया है उसे ये जोड़ने का काम करता है। और ये जो जोड़ने की प्रक्रिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस लाइगेशन की प्रक्रिया के बाद ही, पर इसके लाइगेशन की प्रक्रिया के फलस्वरूप ही हमारे पास हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनकर रेडी होता है। अगर ये नहीं बना, दैट मीन्स हमारा प्रोसेस पूरा खत्म, मतलब प्रोसेस हमारा हुआ ही नहीं है, ठीक है। तो ये जो पूरी प्रोसेस हुई रिकॉम्बिनेंट डीएनए की, ये क्या कहलाती है, हमारी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहलाई। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहला रही है क्यों, क्योंकि पूरा रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमारा बन गया, इसलिए इसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बोल रहे हैं। तो आई थिंक अभी आपको लाइगेशन की जो टेक्निक है वो क्लियर हुई होगी। क्लियर है बेटा हिमानी, यस लाइगेशन टेक्निक। यस मैम, चलिए, तो यस नेक्स्ट मैम। डाउट और किसका है, पूछिए। मार्कर जीन ऑफ प्लाज्मिड बताइए ना। मार्कर जीन ऑफ प्लाज्मिड, आप लोगों ने मार्कर जो आप यूज करते हैं, ठीक है, आप किसी भी चीज को मार्क करने के लिए यूज करते हैं, आप सभी अच्छे से जानते हैं। जैसे हम जब प्रैक्टिकल परफॉर्म करते थे यहाँ पर, तो हम क्या करते थे कि मार्कर यूज करते थे किस चीज के लिए, मार्क करने के लिए। हम लोग जैसे कि कोई केमिकल बनाए, जैसे बायोरेट रिएजेंट ही बनाया हमने, या फिर कोई अल्फा नेप्टॉल का रिएजेंट है, उसमें हम क्या करते थे, ग्लासवेयर में हम लिख के रख देते थे, मार्क करके रख देते थे, हाँ, ताकि वो हमको याद रहे, क्योंकि हमने मार्किंग करके रखी है तो हमको याद रहेगा कि इसमें ये चीज है करके। उसी प्रकार मार्कर जीन भी काम करता है। मार्कर जीन कोई कलर, कोई प्रॉपर्टी, कोई एक अलग सा फीचर, कोई शेप, कुछ ऐसे चीजों को वो बताता है। वो क्या करेगा, जैसे मान लीजिए आपके में, पहले तो एक जनरल इन एग्जांपल देती हूँ मार्कर जीन के बारे में,
उसके बाद मैं आप लोगों को मार्कर जीन ऑफ प्लाज्मिड बताऊंगी, ठीक है। आपके पास ये पौधा है कोई, जिस पौधे में जो है बीमारी लगती है, बीमारी लगने की वजह से कई भी इसके पत्ते जो हैं छोटे रह जाते हैं, कुछ पत्ते जो हैं डेवलप नहीं हो पाते हैं, कुछ में आपके कीड़े लग जाते हैं, इसमें बीमारी है। लेकिन वही प्रजाति का दूसरा जो पौधा है, उसी उसी प्रजाति का सेम जो पौधा है, ये बहुत अच्छा स्वस्थ है, इसमें कोई बीमारी नहीं लगती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि हम दोनों की, इसका तो हम जानते हैं कि ये डिजीज वाला है, इसमें डिजीज होता है, और हम ये जानते हैं कि इस उसी बीमारी का इस पे कोई असर नहीं होता। मतलब इस पर्टिकुलरली पौधे के, इस पौधे के जीन में ऐसी कोई खासियत है जो इसमें होने वाली बीमारी को अपने अंदर असर नहीं होने देता है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमको वो जीन का पता लगाना है कि वो कौन सा जीन है जिसकी वजह से आपका जो पौधा है वो स्वस्थ है, उसमें वो बीमारी नहीं हो रही है। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, जिस पौधे में बीमारी लगती है, ये वाला पौधा, इस पौधे के पहले तो आपको जीन को आइसोलेट करना होगा, डीएनए को आइसोलेट करना होगा, और उसको जीन की पूरी स्टडी करनी होगी, पूरा जीन का आप स्टडी करेंगे कंप्लीट। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसके भी डीएनए निकालेंगे इस स्वस्थ पौधे का, और उसके भी जीन की पूरी स्टडी करने के लिए आप एक मार्कर जीन यूज करेंगे। मार्कर जीन क्या करेगा कि उसी मार्कर जीन को पहले आप इसमें यूज कर चुके हैं, अब उसी मार्कर जीन को आप इसमें यूज करेंगे। इसमें यूज करेंगे जब, तो इस मार्कर जीन को जब भी कोई ऐसी चीज जो इसमें इसमें से अलग दिखेगी, जैसे मान लीजिए ये वाला जो जीन है, ये वो जीन है जो इस पौधे को प्रोटेक्ट कर रहा है, जो बचा रहा है बीमारी से, तो जो आपका मार्कर जीन है वो यहाँ पर जाके पॉइंट लगा देगा, एक मार्क कर देगा, ठीक है, मार्क कर देगा। मार्क करने की वजह से क्या होगा कि ये वाला जो जीन है हमको पता चल जाएगा, मार्किंग करता है वो, वहां पर जाके एक मार्किंग करता है। मार्किंग इसलिए करता है क्योंकि ताकि हमको कुछ स्पेशलिटी दिखी है, क्योंकि उस मार्कर जीन को कुछ स्पेशल दिखा है वहां पर, तो वहां पर जाके वो मार्क लगा देता है, जिससे हम लोगों को पता चल जाता है कि यही वो जीन है जो इस पौधे को क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है। तो प्लांट ब्रीडर जो होते हैं, जो ब्रीडिंग करवाने का काम करते हैं, उन लोग क्या करते हैं, इस जीन को सेपरेट करेंगे, उसकी कॉपीज बनाएंगे, और इस जीन को उसके इस पौधे में ट्रांसफर कर देंगे, जिससे आगे जाके इस पौधे में भी वो बीमारी नहीं निकलेगी, ठीक है। तो ये तो था मार्कर, कि मार्कर जीन क्या होते हैं, वो मार्क करते हैं, स्पेशल जो चीज दिखती है उनको डीएनए में कभी भी, तो वो उसको मार्क लगा देते हैं। ये हो सकता है वहां पर रिपीटेड सीक्वेंस दिखते हो सकता है वहां पर कुछ कलर का चेंज दिखता हो सकता है वहां पर डुप्लीकेशन या डिलीशन कुछ दिखता हो, कुछ भी चीज हो सकती है, वो उसको बस स्पेशल लगेगा वो चीज, वहां पर जाके वो मार्क कर देगा। अब देखिए यहाँ पर उसने मार्क किया, हो सकता है यहाँ भी कर दे। अब वो जहां जहां पर मार्किंग करेगा, उस जगह के जीन को डीएन जो साइंटिस्ट है वो चेक करते हैं, और जिस पर्टिकुलर जगह के जीन में उनको कुछ चेंजेस दिखाई देते हैं कि हाँ ये वो स्पेशल जीन है, तो वो उसे आइसोलेट करके उसकी स्टडी करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये मार्कर जीन क्या होता है कि मार्कर जीन आपका मार्क करने का काम करता है, आपके डीएनए में या आरएनए में कुछ स्पेशलिटी दिखती है उसे तो। और उसी प्रकार अगर आपके मार्कर जीन ऑफ प्लाज्मिड की बात की जाए, तो ये क्या होता है, ये कैसे काम करता है उसे देखते हैं। अब आपका आप सभी अच्छे से जानते हैं कि जो प्लाज्मिड होता है, हर एक प्लाज्मिड जो है उसके पास स्पेशल जीन्स होते हैं अलग अलग कार्यों के लिए। जब हमने प्लाज्मिड पढ़ा था और आपने प्लाज्मिड का नोट्स भी लिखा है, तो सब में देखना, जब हम प्लाज्मिड पढ़ रहे थे तो मैं आप लोग को बताती थी, जब टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड हम पढ़ रहे थे, तो हर एक प्लाज्मिड का अलग अलग टाइप होता था, और वो रीजन और वो टाइप इसलिए बनता था क्योंकि उस प्लाज्मिड में वो ऐसा जीन पाया जाता था जो उसे स्पेशल बनाता था, जैसे कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होता है, एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस रेजिस्टेंट जीन। मान लीजिए ये जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, ये इस प्लाज्मिड में पाया जाता है, तो उसकी वजह से इस प्लाज्मिड में क्या खासियत पाई जाएगी कि जब भी इस प्लाज्मिड में
दवाई का कोई असर नहीं होगा कभी भी। दवाई जहाँ पर यूज की जा रही है, अगर ये प्लाज्मिड वहां पर गया है हमारी बॉडी में, वो प्लाज्मिड आया है बीमारी कॉज करने के लिए और हमने वो दवाई खाई है, तो दवाई का कुछ असर नहीं होता है इस पे। क्यों? क्योंकि ये जो है एंटीबायोटिक को रेजिस्ट करने की ताकत रखते हैं, एंटीबायोटिक्स को रोकने की दवाई। एंटीबायोटिक्स मतलब जो इन्फेक्शन से बचा रहे हैं हम लोगों को, वो एंटीबायोटिक्स को रोकने की क्षमता हो गई है कि रोकने की क्षमता जो है ये विकसित कर चुका है। क्यों? क्योंकि इसके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है। ठीक है, तो ये जो मार्कर जीन ऑफ प्लाज्मिड जो है, जैसे कि करुणा ने क्वेश्चन पूछा, उसका आंसर ये है कि मार्कर जीन ऑफ प्लाज्मिड एक ऐसा प्लाज्मिड होता है जिनमें मार्कर जीन उपस्थित होता है, और मार्कर जीन अगर किसी प्लाज्मिड में उपस्थित है दैट मीन्स उस प्लाज्मिड को हम मार्क करने के लिए यूज कर सकते हैं। वो जो प्लाज्मिड है ऐसे जगह पे ही जाके मार्क लगाएगा जहां पर उसे कुछ स्पेशल दिखेगा। तो प्लाज्मिड के अंदर भी एक मार्कर जीन उपस्थित हो सकता है जिसे हम मार्कर के रूप में यूज कर सकते हैं। ये आपका है प्रामार्कर जीन ऑफ प्लाज्मिड। इज इट क्लियर बेटा? क्लियर है अभी आपका करुणा? यस मैम, अभी क्लियर है जो बताया मैंने? यस मैम। और कोई किसी को डाउट पूछना है स्टूडेंट्स? तो यहाँ पर आप पूछ रहे हैं, एक मिनट इसको स्टार्टिंग से देखते हैं, जीन क्लोनिंग के एप्लीकेशंस। जीन क्लोनिंग एप्लीकेशन, तो जहां तक मुझे याद है जब हम लोग इसको पढ़ रहे थे जीन क्लोनिंग को, तो इसके हम लोगों ने एप्लीकेशन के बारे में भी डिस्कस किया था। सबसे पहली बात तो ये कि जीन क्लोनिंग का मतलब ये है कि आप जीन की मल्टीपल कॉपीज बना रहे हैं। मल्टीपल कॉपीज मतलब बहुत सारी कॉपीज बना रहे हैं जीन की। ठीक है, तो सबसे बड़ा फायदा ये है कि मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म है, कोई प्लांट है, या फिर कोई बैक्टीरिया है, या कोई वायरस है, या फिर कोई और ऐसी चीज है, कोई ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर कोई ऐसा जीन पाया जाता है जिसके बारे में आप स्टडी करना चाहते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कोई एक पौधा ही है, ठीक है, कोई एक पौधा ही है, उस पौधे में आपका कोई ऐसा जीन पाया जाता है जो उसे कोई भी कीड़े ली नगले देता है उस पौधे में। तो आप चाहते हैं कि ऐसा क्या स्पेशलिटी है इसमें जो आप स्टडी करना चाह रहे हैं, कि ऐसा क्या जीन है भाई इसमें, ऐसा कुछ क्या चेंज है जिसकी वजह से इसे कोई बीमारी नहीं होती है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट। तो आप क्या करेंगे, इस जीन की स्टडी करना चाहेंगे। लेकिन इस जीन की स्टडी करने के लिए इस जीन को बाहर निकालना जरूरी है। चलिए मान लीजिए आपने जीन को बाहर भी निकाल लिया, पहले इसका डीएनए बाहर निकला और फिर उसका जीन को आपने बाहर निकाल लिया, लेकिन जीन बहुत लिमिटेड क्वांटिटीज में आपके पास, तो ऐसी स्थिति में आप जीन क्लोनिंग की सहायता ले सकते हैं, और जीन क्लोनिंग की सहायता से जीन को बहुत सारी कॉपीज में बदल सकते हैं। जीन का जितने क्वांटिटी में है आपका आपके पास, आप उसे डबल ट्रिपल जीन प्राप्त कर सकते हैं जीन क्लोनिंग की सहायता से। तो पर्टिकुलरली अगर हमें किसी जीन के बारे में स्टडी करनी है, कोई भी जीन को हम पर्टिकुलरली आइसोलेट कर सकते हैं, उसके न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को जान सकते हैं, उसमें क्या क्वालिटी है इसको देख सकते हैं। जीन क्लोनिंग का तो सबसे बड़ा एप्लीकेशन यही है कि हम जीन की कॉपीज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, अगर हमको ये जानना है कि प्रोटीन के फंक्शन क्या है, एंजाइम के फंक्शन क्या है, आरएनए के फंक्शन क्या है, डीएनए के फंक्शन क्या है, तो उसके लिए भी जीन क्लोनिंग यूज किया जा सकता है। ठीक है, उसके लिए भी यूज किया जा सकता है कि अगर आप इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं कि हमारे पास जो प्रोटीन है वो किस प्रकार काम करता है, कि उसके वो किस प्रकार से जो है फंक्शन करता है,
आपका जो एंजाइम हो किस प्रकार से फंक्शन करता है, तो उसे जानने के लिए भी फंक्शंस के इन्वेस्टिगेशन के लिए। उसके लिए भी आप क्या यूज कर सकते हैं, जीन क्लोनिंग का यूज कर सकते हैं, क्योंकि एंजाइम्स में भी उसके जीन है, प्रोटीन में भी उसके जीन है, तो सबकी कॉपी बना के आप उसके इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। उसके बाद ये तो जो सबसे इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है जीन क्लोनिंग का, वो ये है कि मेरे अंदर कोई ऐसा जीन है जिसके बारे में आप स्टडी करना चाहते हैं, मुझे कोई बीमारी है, जैसे मान लीजिए मुझे कोई बीमारी है और मुझे जो बीमारी है उसके बारे में आप स्टडी करना चाहते हैं, तो मेरे अंदर जो जीन है जो उस बीमारी को लाया है उसकी आप क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। जैसे अगर कैंसर जैसी कोई बीमारी है, कैंसर म्यूटेशन की वजह से हो रहा है अगर, तो जो डिफेक्टेड जीन है, जो डिफेक्टेड जीन है जिसकी वजह से म्यूटेशन हुआ, उसको हम निकाल के उसकी मल्टीपल कॉपीज बना के उसकी स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो म्यूटेशन को हम जान सकते हैं, म्यूटेशन को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। म्यूटेशन कैन बी आइडेंटिफाइड अगर हम बहुत सारे जीन को हम निकाल लिए किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर से और हमको ये पता चल रहा है कि ये वाला जो जीन है वो डिफेक्टिव है, तो ये डिफेक्टिव जीन है तो ये फ्यूचर में क्या कर सकता है, म्यूटेशन कर सकता है, कोई बीमारी हो सकती है, तो इसे हम दूर करने के लिए कुछ उपाय लगा सकते हैं और म्यूटेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ इसकी वजह से ही म्यूटेशन हो रहा है। तो ये एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है आपके जीन क्लोनिंग का, ये आपके एप्लीकेशंस थे जीन क्लोनिंग के। आई होप अभी क्लियर हुआ होगा। वैभव अभी क्लियर है बेटा? यस मैम। चलिए, तो और क्या डाउट है किसी को, जल्दी पूछ। क्लास की टाइमिंग भी खत्म होने वाली है, 5 मिनट्स बचा है, अगर कोई डाउट नहीं है तो आज खत्म करते हैं यहीं पर क्लास को। फिर नेक्स्ट जो मंडे से हम लोग जो है न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट क्लास से हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो आप लोग का नया टॉपिक रहेगा, तो यहीं पर खत्म करते हैं क्लास।